ये हमारा यूपी स्पेशल जीके का पार्ट 4 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप चैनल के थ्रू प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमारा 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ है 1800 ईसा पूर्व। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो एक खैर एक वृक्ष होता है जहां से कत्थे को बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि चंबल, ठीक है सभी को पता होगा ये, तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हमारा बांदा जिले में चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ये हमारा है हथकरघा उद्योग। ठीक है, अभी हाल ही में जो है लखनऊ में एक समिट हुई थी, उसमें हथकरघा जो भी छोटे उद्योग थे उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक जो है वो लाई गई थी, स्कीम लाई गई थी ताकि लोगों का जो है मनोबल बढ़े जो छोटे काम करते थे, उसमें एक था हथकरघा उद्योग भी एक काम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे मेरठ में। ठीक है, मेरठ में क्या है कि गन्ने की खोई जो उसका वो हम गन्ने को जो हम पूरे चूस लेते हैं उसके बाद जो उसका खोई निकलता है उसी खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है, और ये बनाया जाता है कहाँ पर, ये बनाया जाता है हमारा मेरठ में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि तेल शोधक कारखाना, ठीक है तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा मथुरा में है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि अलीगढ़ का जो ताला है बहुत ही फेमस होता है। ठीक है, आगरे का पेठा बहुत ही फेमस होता है, इसी तरीके से अलीगढ़ का क्या है ताला बहुत ही फेमस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्रीराम की जन्मस्थली, सभी को पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अयोध्या, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सभी को पता होगा कि अयोध्या हो सकता है, बट जो और भी स्टेट वाले हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है अयोध्या है फैजाबाद है क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद का नाम जो है अयोध्या कर दिया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो सभी को पता है कि आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है, जो कि हमारे जो हमारे पूर्वभूत प्रधानमंत्री थे हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी उन्हीं के पिताश्री ने ये आनंद भवन बनाया था। कब बनवाया था, 1900 BC में। ठीक है, 1900 BC में इन्होंने ये आनंद भवन को बनवाया था। ठीक है, इसी आनंद भवन को हैप्पी हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो देखिए कुंभ मेला आगरा में तो लगता नहीं है। ठीक है, सभी को पता वाराणसी और इलाहाबाद में कंफ्यूजन होती है, तो आगरा में तो नहीं लगता। तो अगर आगरा में नहीं लगता तो डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया तो हमारा इलाहाबाद में ही कुंभ मेला लगता है, जो कि अभी इस बार कुंभ मेला लगने वाला है 2019 में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जोधा भाई का महल प्रदेशों में से कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जोधा भाई का महल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण जन्मस्थली है, तो ये मथुरा है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है, थारू जनजाति हमारी तराई क्षेत्र में निवास करती है ना। कर्णवास प्रदेश, ये देखिए कर्णवास प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे बुलंदशहर में कर्णवास प्रदेश स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में सैन्य कल्याण वह पुनर्वास निदेशालय कब स्थापित की गई। ठीक है, तो ये स्थापित की गई हमारी 1972 में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया 1 जुलाई 2005 में। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन का मतलब था कि आप खूब पेड़ लगाइए, पेड़ लगाएंगे तो हमारे जो वातावरण है शुद्ध होगा, हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। आप खुद ही देख रहे हैं कितना प्रदूषण आजकल हो गया है, कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियां बंद कर दी हैं। अब BS4 वाहन भी बंद होंगे, BS6 आएंगे,
तो ये सब देखते हुए ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया था 2005 में ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई मतलब माचिस का उद्योग किस प्रमुख केंद्र कौन सा है। ठीक है, उसका ये उसका प्रमुख केंद्र हमारा बरेली है। बरेली में माचिस बहुत ही अधिक मात्रा में और सबसे ज्यादा मात्रा में बरेली में ही बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित किया गया है। ठीक है, तो ये स्थित किया गया हमारा इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। मैं जान बूझ के इलाहाबाद ही इसी लिखता हूँ ताकि आप ये नाम बार बार दिखाई पड़े और बार बार आपको मैं बताऊं कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये कारखाना कहाँ है, गाजियाबाद में है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है, बिरहा। ठीक है, सभी लोग ही सभी लोग गाँव में क्या होता है, बिरहा गाया जाए, ये किया जाए, बिरहा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोकगीत होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई, 1955 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, तो ये हुआ हमारा 1994 में। 1994 ही प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है। नगदी फसल ये गन्ना है। ठीक है, सबसे नगदी फसल कौन सा हमारा, गन्ना है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये एक ही है जो कि कहाँ है, निरौरा में है। और ये निरौरा कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है बुलंदशहर। ठीक है, ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और लाइक किया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।